कभी सोचा है इस धरती पर मानव कहाँ से आए? क्या हमको किसी ने बनाकर यहाँ पर छोड़ा है, या फिर हम यहीं पर बनाए गए हैं? जब भी आप अकेले हो तो रात को खुले आसमान को देखो, करोड़ों तारे नजर आएंगे। इन तारों के पास भी हमारे सूरज की तरह अपने ग्रह होंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पास भी पृथ्वी जैसे ग्रह हो, और उन पर पानी और हवा हो, और उन पर जीवन भी हो? सोचने पर लगता है कि ऐसा हो सकता है, पर इसकी अभी खोज नहीं हुई। अभी तक तो हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले ही हैं, और बिल्कुल अकेले हैं। कितना अजीब लगता है कि ईश्वर ने सिर्फ मानव को बनाने के लिए ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सिर्फ इंसान को बनाने के लिए ये पूरा यूनिवर्स रचा गया। क्या आपको अजीब लगता है? क्या हम इतने जरूरी थे ईश्वर के लिए कि ईश्वर ने हमें बनाने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को रचना पड़ा? क्या हमारी प्रार्थना से ईश्वर को ताकत मिलती है, जिस कारण ईश्वर को हमें बनाना पड़ा? और जब हम ईश्वर में विश्वास करना और प्रार्थना करना छोड़ देंगे, तो क्या ईश्वर इस ब्रह्मांड को वापस नष्ट कर देगा, मिटा देगा? हमारी गलती की सजा पूरे ब्रह्मांड को मिलेगी? नहीं, क्योंकि ईश्वर को अगर हमें बनाना ही था तो केवल पृथ्वी को बनाकर ही उसका काम हो जाता। पूरा ब्रह्मांड बनाने की जरूरत ही क्या थी? पूरा ब्रह्मांड बनाने के लिए ईश्वर को कोई और बड़े कारण की जरूरत थी, जो फिलहाल हम नहीं जानते। पर अगर सोचे कि ईश्वर को केवल एक ऊर्जा है, तो यह बात हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु और पदार्थ एक ऊर्जा से ही बने हैं। यह बात ही हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि कण कण में ही ईश्वर है, और प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे सिद्ध भी किया है। अपने प्रसिद्ध समीकरण E=mc²2 में उन्होंने बताया कि ऊर्जा ही पदार्थ है और पदार्थ ही ऊर्जा है, दोनों को आपस में बदला जा सकता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ईश्वर कोई इंसान जैसा नहीं, ईश्वर केवल एक ऊर्जा है, और उसने ब्रह्मांड को बनाया नहीं, केवल उसकी वजह से ब्रह्मांड बना है, वो भी अपने आप करोड़ों करोड़ों सालों में प्रकृति के नियमों के द्वारा। तो इस थ्योरी के सबसे करीब एक वैज्ञानिक थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड अचानक बना, और इसकी शुरुआत एक परमाणु से भी छोटी चीज से हुई। जब इस स्पेस में कुछ भी नहीं था, जब वो बिल्कुल खाली था, तब भी वहां एक ऊर्जा थी, जिसने अपने आप को इस खाली जगह पर कुछ नहीं से सब कुछ बनाया। इस महाविस्फोट में बहुत ऊर्जा निकली, जिससे सारे परमाणुओं का निर्माण हुआ। वक्त के साथ ये परमाणु आपस में जुड़े और उन्होंने अणुओं का निर्माण किया। फिर जब समय गुजरा, इन्होंने आपस में जुड़कर मूलभूत गैसों का निर्माण किया, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इनसे हमारा सूरज भी बना है, और इन्हीं से पानी भी बनता है। करोड़ों सालों के बाद इस उथल पुथल से हमारा सौर मंडल और हमारी पृथ्वी भी वजूद में आई। पृथ्वी पर पानी और ऑक्सीजन की वजह से और भी जटिल संरचनाएं बनी, जिनको हम कोशिका कहते हैं, जो जीवन की बुनियाद है। फिर इन कोशिकाओं में विभाजन हुआ, और इन्होंने और भी जटिल संरचनाएं की, और फिर जलीय जीव अस्तित्व में आए। और फिर कर्मिक विकास के नियम के कारण हमारे जैसे समझदार जीवन भी वजूद में आया, और इसी तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इस तरह ईश्वर से हमारा जन्म हुआ। लेकिन ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, हम ईश्वर के कारण बने हैं। दोनों बातों में फर्क है। इसलिए हमारा ईश्वर हमसे अच्छे और बुरे कार्य हमसे नहीं करवाता, वो हम खुद करते हैं। ईश्वर तो कारण है, कर्ता नहीं है, कर्ता तो हम ही है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।